सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पांकी प्रखंड में कोल्ड ड्रिंक्स में मिली गंदगी, लोगों में कौतूहल। पांकी प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक स्थित रमेश होटल में कोल्ड ड्रिंक्स माउंटेन ड्यू में गंदगी मिलने से लोगों में कौतूहल मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम जब एक ग्राहक ने ग्लास वाली 200 ml की माउंटेन ड्यू मांगी, जिसके बाद दुकानदार रमेश के द्वारा बोतल को फ्रिज से निकाला गया, जहां उसकी नज़र बोतल में तैरते गंदगी पर पड़ गई, जिसके बाद आसपास खड़े ग्राहकों में बोतल को देखकर हड़कंप मच गया व लोग कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर तरह तरह की चर्चा करने लगे। मामले की जानकारी होने के बाद पत्रकारों की टीम जब वहाँ पहुँची तो खुलासा हुआ कि उक्त कोल्ड ड्रिंक्स पांकी प्रखंड के थाना रोड स्थित पेप्सी कंपनी के होलसेलर बाल गोविंद प्रसाद के पास से उन्होंने खरीदा था। इस संबंध में होलसेलर बाल गोविंद प्रसाद ने बताया कि कंपनी के द्वारा निर्माण के समय ही यह गड़बड़ी हो गई होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के लोगों से बात कर वे इसकी शिकायत करेंगे। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में हम बड़े चाव से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को अपने होठों से लगाते हैं व एक झटके में अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के चक्कर में कहीं आप कोल्ड ड्रिंक्स की जगह जहर तो नहीं पी रहे, यह बड़ा सवाल है। आज की इस घटना से यह सबक मिलता है कि यदि दुकानदार ने बोतल के अंदर गौर नहीं किया होता तो पीने वाले ग्राहक के साथ कुछ भी हो सकता था, वह उसकी जान भी जा सकती थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोतल के अंदर किस प्रकार से गंदगी मौजूद है।